So, दोस्तों आज हम Amazon पर इस तरीके की लिस्टिंग करना सीखेंगे, वेरिएशंस क्रिएट करना सीखेंगे। वेरिएशंस किसे कहा जाता है, जैसे कि एक प्रोडक्ट जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है तो उसके साथ साथ मल्टीपल ऑप्शंस भी आपको दिखे, ऐसे लिस्टिंग करना Amazon पर आज की तारीख में पहले के मुकाबले बहुत ईजी हो गया है। तो ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था सो दैट आप भी अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं किसी भी टाइप का, तो आप भी इस वीडियो को देख कर ईजीली प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकें और आप भी Amazon पर सक्सेसफुली सेल कर सकें। प्रोडक्ट लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है ना तो भी इस वीडियो को देख लीजिए, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा एआई की मदद से और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखो सबसे पहले आप देखो कि आपको एक चीज बताता हूं, वेरिएशंस बनाने का फायदा क्या है कि एक तो आपके बायर को जो है प्रोडक्ट के साथ साथ मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाते हैं, और अगर किसी एक प्रोडक्ट पर 5 स्टार आ जाता है ना तो जितने भी वेरिएशन आपने क्रिएट किए हैं उस पर 5 स्टार रिव्यू दिखते हैं। तो अब बिना किसी देरी के अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको Amazon के डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक करना है, और मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कैटलॉग में आके ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते ही आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको टी शर्ट सेल करना है, राउंड नेक ब्लैक प्लेन टी शर्ट जो है वो सेल करना है, तो आप क्या यहां पर क्या लिखेंगे, टाइटल राउंड नेक टी शर्ट फॉर मैन, ये लिख दिया आप, ऑटोमेटिकली ड्रैग डाउन यहां पर आ गया। अब देखो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन है, ये वो प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी लिस्टेड है, इनको हमें नहीं छेड़ना है क्योंकि इनको लिस्ट करने के लिए हमारे को ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ता है। हम क्या करेंगे, यहां पर क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे हमारे सामने पूरी लिस्टिंग क्रिएट करने का एक पैनल स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो यहां पर आपने क्या लिख लिया, राउंड नेक टी शर्ट फॉर मैन, ठीक है। अब अगर आप इसके आगे और लिख देते हैं कॉटन, अगर आपका कॉटन का टी शर्ट है, जो भी आपको यहाँ लिखना है ये आप लिख देते हैं, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जनरेट कॉन्टेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे इस बटन पे, सब कुछ ऑटोमेटिकली ये लगभग कोशिश करेगा कि आपके लिए जनरेट करके दे दे। ये इसने आइटम का नेम दे दिया, कॉटन राउंड नेक टी शर्ट फॉर मैन पैक ऑफ 3 ब्लैक। अब आपको ये हटाना है, कोई पैक ऑफ 3 वगैरह कुछ नहीं है, आपको टी शर्ट का जो है कलर यहाँ पर मेंशन करना है क्योंकि प्राइमरी है, तो आप यहाँ पर कलर मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, यहाँ आप ये कर सकते हो आपके ब्रांड का नाम। अब जैसे सपोज करो मैंने ब्रांड का नाम रख दिया कनेक्शन कॉटन राउंड नेक टी शर्ट फॉर मैन, राइट। अब आपको यहां से आप देखो क्या ये सही इन्होंने सेलेक्ट कर रखा है, नहीं, आपको क्या करना है, आपको यहां पर सेलेक्ट अदर पे क्लिक करना है और आपके नोड को जहां पर आप, मतलब अगर आप टी शर्ट सेल कर रहे हो तो आपको टी शर्ट की कैटेगरी में ही जाना है ना, नहीं तो क्या होगा, आप किसी गलत कैटेगरी में घुस गए तो ना तो आपको ऑर्डर आएंगे, ना ही आपके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर जो है सही कमीशन जो है वो ये चार्ज होगा, ज़्यादा भी हो सकता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सेल नहीं आएगी। तो हमेशा कैटेगरी बिल्कुल सही से चुननी है। तो कैटेगरी क्या है, लेट्स अज्यूम आपने फैशन सेलेक्ट कर लिया, आपने मैन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पर आके क्लोथिंग में आ गए, क्लोथिंग में आके आपने यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, क्लोथिंग के अंदर आपको यहाँ पर आके टी शर्ट्स पे क्लिक करना है, टी शर्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पर ये टी शर्ट सेलेक्ट करना है। तो आप अगर होम एंड किचन में है तो जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उस कैटेगरी में जाएं, ठीक है। अब आपको कैटेगरी कैसे देखनी है, आप एक काम कर सकते हैं, Amazon के प्रोडक्ट पेज पर आकर ये जो जगह दिख रही है ना यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाएगी, वहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पर हम टी शर्ट सेल कर रहे हैं इसलिए हमने टी शर्ट सेलेक्ट किया है, राइट। अब देखो ये यहाँ पर सब कुछ आपके सामने आ गया। अब आपको क्या करना है, ये देखो ये सेलेक्ट हो गया, क्लोथिंग एंड एसेसरीज, मैन टी शर्ट, पोलोज एंड टी शर्ट्स, ठीक है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दिस प्रोडक्ट हैज वेरिएशंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर साइज सेलेक्ट करनी है क्योंकि मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज जो साइजेस होती है वो उसका ऑप्शन आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक कलर, ठीक है, हम लोग 3 कलर में काम करने वाले हैं, 3 टी शर्ट्स अपलोड करने वाले हैं अलग अलग, एक ब्लैक, एक वाइट और एक रेड, ठीक है, और इसको हम लोग कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमको नेक्स्ट पे आना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे आएंगे आप देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली, मैंने कहा था एआई की हेल्प से इसने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, बुलेट पॉइंट्स आपके ऑटोमेटिकली लिख दिए, राइट। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको सबसे पहला जो प्राइमरी प्रोडक्ट होगा उसके फोटो अपलोड करने हैं। मैंने फोटो ऑलरेडी लेकर रख लिए थे, मैंने सबकी लिस्टिंग ऑलरेडी करा दी थी यहाँ पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक के 3 फोटो ले लिए हैं, मैंने रेड के 3 फोटो ले लिए हैं और मैंने व्हाइट टी शर्ट के भी 3 फोटो ले लिए हैं, फ्रंट साइड और बैक, ठीक है। तो मैं इन 3 फोटो को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ये हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट हो जाएगा ब्लैक कलर का, ठीक है। यहाँ पर ये सारे फोटो आ गए, बहुत सिंपल लग रहा है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है, कुछ बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली इसने जनरेट कर दिया। अगर आप इसको रीजनरेट करना चाहते हो, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप इस पर रीजनरेट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसको AI की मदद से ये सारा का सारा कंटेंट चेंज करके यहाँ पर अपडेट कर देगा। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब जो मेन चीज़ है वो है प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट डिटेल्स पे आपको सब चीज़ बहुत ध्यान से पढ़नी है, एक एक चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका ये चीज़। सर्च टर्म, सबसे पहले कीवर्ड्स कैसे जो है देखे जाएंगे। देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। लेट्स अज्यूम आप Amazon की वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है प्लेन टी शर्ट फॉर मैन, ये दिख रहा है आपको, ये तीन ऑप्शन लिख दिए। अब देखो आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन ये ड्रैग डाउन में सारे बता देगा। देखो प्लेन टी शर्ट फॉर मैन वाइट, प्लेन टी शर्ट फॉर मैन कॉम्बो, प्लेन टी शर्ट फॉर मैन 3XL, प्लेन टी शर्ट फॉर मैन कॉटन। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सर्च टर्म मतलब कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स होते हैं। यहां पर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है प्लेन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, प्लेन लिख दिया, टी शर्ट लिखो, ये एक कीवर्ड है, ठीक है, टी शर्ट्स लिखो, ये भी एक कीवर्ड है, फॉर नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं, फॉर कोई काम का नहीं है, फॉर को ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, फॉर नहीं लिखना है, मैन लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है राउंड नेक लिखना है, ऑल राइट, उसके बाद आपको कॉटन लिखना है, ब्लैक लिखना है, वाइट लिखना है और रेड लिखना है, ये लिख दिया। प्लेन टी शर्ट, टी शर्ट्स, मैन, राउंड नेक, कॉटन, ब्लैक, वाइट, रेड, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर और भी आप अगर ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है, वी नेक, राउंड नेक, यहाँ देख सकते हैं आपके पास और भी ऑप्शन है। आप अगर सिर्फ टी शर्ट से देखना चाहिए, कोई और कीवर्ड आप देखना चाहते हैं इसके अंदर, बॉयज, मैन, ओवरसाइज, देखो और कोई ऐसे एस सच कीवर्ड्स है नहीं, तो इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्बिनेशंस इसकी एल्गोरिदम ले सकती है, जो भी यूजर कीवर्ड सिस्टम सेलेक्ट करेगा, लेट्स अज्यूम राउंड नेक प्लेन टी शर्ट सर्च करेगा, तो हमारे पास होना चाहिए राउंड नेक भी होना चाहिए, प्लेन भी होना चाहिए और टी शर्ट भी होना चाहिए, ये ऑप्शन ऑलरेडी है। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर में आप एक पार्ट नंबर बनाएंगे, मैं आपको समझाता हूँ। पार्ट नंबर इज अ प्राइमरी, एक तरीके का पेरेंट SKU है, उसके नीचे सारे कॉम्बिनेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से डालिएगा। क्या करना है, लेट्स अज्यूम आपका कनेक्शन बिजनेस आपके ब्रांड का नाम है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, KB, फिर एक डैश कर दीजिए, प्लेन टी शर्ट को लिख दीजिए PT, ठीक है, और फिर डैश कर दीजिए और 2024 या 2025 जब भी आप ये कर रहे हो आप यहाँ पर उसको ऐड कर लो, ठीक है। अब स्टाइल नेम में आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने लिख दिया वेस्टर्न। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप जेंडर आएंगे मेंस, मेंस के बाद फिटिंग टाइप पे आपको रेगुलर फिट जो यहाँ पर दे रखा है, नॉर्मली रेगुलर है टी शर्ट, कितने टी शर्ट, एक ही टी शर्ट, लेट से कोई ब्लैक मीडियम मंगाता है, मीडियम टी शर्ट मंगाता है तो एक ही होगा, तो यहाँ पर आपको वन लिखना है, ओनली वन, ठीक है। फैब्रिक आपको लिखना है 100% कॉटन, ऑल राइट। उसके बाद प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन में आप इधर मशीन वॉश कर सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ पर स्लीव टाइप के अंदर जो है यहाँ पर हाफ स्लीव होगा या शॉर्ट स्लीव, हाफ स्लीव दे रखा है, ठीक है। मॉडल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, KBM, जो आपको ठीक लगे वो आप मॉडल नंबर दे दीजिएगा यहाँ पे। मटेरियल टाइप आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, क्या मटेरियल है, कॉटन मटेरियल है। उसके अलावा मटेरियल फैब्रिक रेगुलेशन में आप कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा नॉट एप्लीकेबल पे सेलेक्ट कर लेना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सप्लाई के अंदर आके आपको क्या करना है, यहाँ पर फैशन सेलेक्ट करना है और बुकिंग डेट वगैरह, ये जो भी यहाँ पर स्टार दे रखे हैं ना वो आपको भरना है, ये मैंडेटरी है। जिस पे स्टार नहीं है वो मैंडेटरी नहीं है, नहीं भरोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सारा इसका डायमेंशन वगैरह अभी एज ऑफ देने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट का वेट जो है हमेशा आपको ग्राम्स में देना है, ठीक है, केजी में नहीं देना है, ग्राम में देना है, और यहाँ पर आप लिखोगे 150 grams, 150 gram का एक टी शर्ट है, ठीक है। अब बस बाकी कहीं पे भी आपको वो जो है मैंडेटरी वाला कहीं दिख नहीं रहा है तो आप छोड़ दीजिए, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसको आपको ध्यान से देखना है, वो है वेरिएशंस। देखो दोस्तों यहीं पर सारी चीज आपको ढंग से करनी है, वेरिएशंस बनाने हैं, इसलिए इस वीडियो को आपको टाइम लेकर पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएशंस के अंदर आप यहां पर आके सबसे पहले आपको जो है वेरिएशन सेलेक्ट करना है वो है मीडियम, ऐड कर दो इसको, क्योंकि मीडियम हम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लार्ज ऐड करेंगे, लार्ज के बाद हम लोग एक्स्ट्रा लार्ज ऐड करेंगे, तो ये तो तीन हमारे वेरिएशंस हैं। उसके बाद हमारे कलर्स, कि हम कलर कौन कौन से इसमें ऐड करना चाहते हैं, हम इसमें तीन कलर मैंने आपको बताया था, ब्लैक, व्हाइट और रेड। सबसे पहला नाम हम दे देते हैं ब्लैक कलर, ऐड कर दो, उसके बाद हम एक कलर का नाम दे देते हैं व्हाइट कलर, और उसके बाद हम लोग एक कलर का नाम दे देते हैं रेड कलर,
ये तीनों इसके अंदर सेलेक्ट हो गए। जब आप देखेंगे आपके सामने ये सारे के सारे ऑप्शंस सेलेक्ट हो गए। यहां पर आपको कलर मैप सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको क्यों सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि बायर जब फिल्टर में जाके जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहता है, आप यहां पर ब्लैक देंगे तो वहां पर आपके ब्लैक टी शर्ट में ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा उस कैटेगरी के अंदर। अगर आप यहां पर गलत दे देंगे तो वहां पर गलत हो जाएगा, इसलिए आपको कलर मैप बिल्कुल सही से करना है। ब्लैक है तो आपको क्या करना है, इसको ब्लैक सेलेक्ट करना है, इसको भी ब्लैक सेलेक्ट करना है और इसको भी ब्लैक सेलेक्ट करना है। ये वाइट है तो इसको आपको यहाँ पर आके वाइट सेलेक्ट करना है, वापस यहाँ आके वाइट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आकर भी वाइट सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको वाइट कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड है तो इसको आप रेड करेंगे और इसको भी आप रेड करेंगे और इसको भी आप रेड करेंगे। ठीक है, ये रेड रेड आप देखो क्या है, मीडियम ब्लैक, लार्ज ब्लैक, एक्स्ट्रा लार्ज ब्लैक, मीडियम व्हाइट, लार्ज व्हाइट, एक्स्ट्रा लार्ज व्हाइट, ये कर दिया। अब टारगेट जेंडर क्या है आपका, तो जेंडर है सर हमारा मेल, तो आप इन सबको फटाफट मेल कर देंगे यहां से आके एक एक वन बाय वन। ठीक है, ये आपका हो गया मेल। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब एज रेंज डिस्क्रिप्शन में आपको यहां पर आकर एडल्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, किड या बेबी नहीं सेलेक्ट करना है, आप यहां पर एडल्ट करेंगे। अगर आप किड्स के लिए कर रहे हो तो किड्स करो, नहीं तो आपको एडल्ट ही यहां पर रखना है। ठीक है, ये देखो ये एडल्ट हो गया, ये हमने वन बाय वन सारे एडल्ट ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर वैल्यू एड करेंगे। देखो ये एम है ना, तो हमको यहां पर एम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो ये M, ये मीडियम है, फिर उसके बाद ये लार्ज है तो हमको यहाँ पर लार्ज सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज है तो उसको हमको यहाँ पर XL सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से इन तीनों पे भी हमको यही करना पड़ेगा। हम यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर आने के बाद मीडियम सेलेक्ट करेंगे, मीडियम सेलेक्ट करने के बाद लार्ज सेलेक्ट करेंगे, लार्ज सेलेक्ट करने के बाद एक्स्ट्रा लार्ज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये मीडियम हो गया और ये यहाँ पर आ गए तो ये लार्ज हो गया और ये यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। अब रेंज को और टाइप को हमें छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर क्लास दे रखी है तो क्लास में आपको अल्फ़ा सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप यहाँ से सबको अल्फ़ा करेंगे, यहाँ आए अल्फ़ा और ये देखिए ये अल्फ़ा कर दिया हमने, ये अल्फ़ा कर दिया, ये अल्फ़ा कर दिया और ये भी अल्फ़ा कर दिया। अब जो ये सिस्टम आपको दिख रहा है शर्ट साइज सिस्टम, इसको इंडिया करना है IN। ठीक है, क्योंकि ये इंडियन टारगेट कर रहा है, इंडियन ऑडियंस को, तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो हमेशा इंडिया ही रहेगा। ऑलराइट, तो अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है वो सेलर SKU आ रहा है। देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहला क्या है ब्लैक, दूसरा वाइट और तीसरा रेड। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ SKU डिफाइन करने का, वो हमेशा ये करिएगा सो देट आपको याद रहे कि ये कौन से आपको टी शर्ट, कौन सा जो है पर्टिकुलर टी शर्ट है। क्योंकि हर जगह जब आप चेकलिस्ट बनाएंगे ऑर्डर की तो वहाँ पर इमेजेस नहीं होगी, आपको यहीं से पता लगाना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम आपका कनेक्शन बिजनेस ब्रांड है तो आपने KB कर दिया, फिर डैश प्लेन ब्लैक है तो इसको PB कर दिया, फिर क्या है मीडियम है, मीडियम कर दिया, KB PBM। आप समझ जाइएगा कनेक्शन बिजनेस का प्लेन ब्लैक टी शर्ट है मीडियम। कल को आप दूसरे ब्रांड का सेलेक्ट करते हो तो उसका KB की जगह कुछ और कर देना, तीसरा ब्रांड करते हो कुछ और कर देना, KB PBM। ठीक है, और इसको कर दो 01, क्यों, क्योंकि ये पहली लिस्टिंग है। ठीक है, उसके बाद KB PBM को यहाँ पर कर दो L, उसके बाद इसको कर दो XL। ये हो गया आपका एक SKU। अब कौन सा है अगला, वाइट है तो जो ये PBM प्लेन ब्लैक है इसको वाइट कर दो, कनेक्शन बिजनेस प्लेन वाइट और इसको M कर दो 01, फिर इसको जो आप यहाँ देखो ये M दे रखा है इसको L कर दो और इसको जो है XL कर दो। देखो ब्लैक को PB किया है मैंने प्लेन ब्लैक, कनेक्शन बिजनेस प्लेन ब्लैक मीडियम 01, यहाँ पर क्या किया कनेक्शन बिजनेस प्लेन वाइट मीडियम 01। अब अगला रेड है तो इसको PR कर दो, ठीक है, और ये L है तो इसको M। देखो ये बहुत ध्यान से भरिएगा आप, इसको L कर दो और इसको XL कर दो। फर्स्ट जो है ब्रांड का नाम, सेकेंड प्रोडक्ट का नाम, थर्ड वेरियंट का नाम और चौथा जो आपका सीरियल नंबर है। इन चार तरीकों से आपको अपना सेलर SKU देना है सो देट आपके लिए इजी रहे। प्रोडक्ट ID में कुछ नहीं डालना है। यहाँ पर अब आती है इमेजेस। देखो इमेजेस बहुत ध्यान से डालना, पहली तीन इमेजेस ब्लैक की है, आपको क्या करनी है यहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है, अपलोड मल्टीपल पे क्लिक करना है और यहाँ आने के बाद आपको 1, 2 और 3, ये 3 सेलेक्ट करने हैं और इसको एड लिस्टिंग करना है।
आपको ये वन बाय वन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आपने इमेजेस ऐड नहीं की तो आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग सप्रेस्ड हो जाएगी, वो बार बार आपकी ड्राफ्ट में चली जाएगी और अपलोड नहीं होगी। आप यहाँ आएंगे, ऐड इमेजेस पर क्लिक करेंगे, अपलोड मल्टीपल आइटम पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप 1, 2, 3 ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको सारी इमेजेस जो है वो ऐड करनी होगी। देखो वन बाय वन आप ऐड कर लीजिएगा सारी की सारी, बाद में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कंडीशंस डालनी है। तो कंडीशंस आपको न्यू रखनी है और इसको भी न्यू करना है, इसको भी न्यू करना है। सबको आप यहाँ से न्यू सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो मेन चीज़ आती है वो आती है योर प्राइस आपने लेट्स अज्यूम दे दी 499 ठीक है, और क्वांटिटी दे दी 20। अब आपको ये सबको 499 एक बार देनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको अगर आपने किसी पे नहीं दी तो ये या तो आउट ऑफ स्टॉक बताएगा या अनअवेलेबल बताएगा। सब जगह आपको आपका स्टॉक जो है वो ऐड करना है। वेरिएशंस का काम कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक वेरिएशंस आपको समझ में आ चुके होंगे। इमेजेस आप सारी वन बाय वन ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाने के बाद देखो सारे चीज़ हमने ऐड कर दी है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऑफर में आएंगे, ठीक है। ऑफर में आने के बाद यहाँ पर आकर आपको एक प्राइमरी सेलर SKU देना है, ठीक है ना। कनेक्शन बिजनेस प्लेन ब्लैक मीडियम 01, मैंने एक सेलर SKU यहाँ पर आके दे दिया। प्रोडक्ट टैक्स कोड, क्योंकि यहाँ पर आप आओगे ना तो यहाँ से आपके प्रोडक्ट का टैक्स कोड का वो आएगा। अगर आप टी शर्ट सेल कर रहे हो तो ये सुपर रिड्यूस जो है इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, प्रोडक्ट टैक्स कोड में। तो ऑटोमेटिकली टैक्स जो है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। लिस्टिंग प्राइस हमने क्या दी है 499, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देना है 499। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी जरूर दीजिएगा, दो दीजिएगा। क्यों पता है, क्यों, कभी कभी क्या होता है कई लोग बदमाशी करने के लिए फेक ऑर्डर दे देते हैं एक ही प्रोडक्ट का 10। मैं तो चाहता हूँ साहब दो से ज़्यादा कोई दे ही नहीं पाए, ज़्यादा से ज़्यादा दो ऑर्डर का दे दो, नहीं तो दूसरा ऑर्डर दो। हैंडलिंग टाइम का काम होता है कि कितने दिन में आप प्रोडक्ट डिस्पैच करोगे। यहाँ पर अगर आप चाहते हो आज ऑर्डर आए और कल डिस्पैच करना है तो आपको यहाँ पर 1 देना पड़ेगा, ठीक है। गिफ्ट मैसेज ये सब आप छोड़ दीजिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, ये मैंडेटरी है, देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद HSN कोड जो है वो आपको यहाँ पर देना है 6109, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, किसी भी प्रोडक्ट का HSN कोड आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आकर आता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वहाँ 499 दिया था तो यहाँ पर आप 999 जो भी आप MRP सेलेक्ट करना चाहें वो दे सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, MRP ज़्यादा होनी चाहिए और आपका सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए, नहीं तो आप लिस्ट नहीं कर पाओगे, बार बार एरर आएगा। और ये वाला फर्स्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है इनिशियली, आई विल शिप दिस आइटम myself, शेल्फ शिप और आई विल पैक दिस आइटम एंड Amazon विल पिकअप एंड शिप इजी शिप, ये जो है ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है इनिशियली, ठीक है। अब सेफ्टी एंड कंप्लाइंस के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीज़ें ये पूछता है, वो उसको आपको सबमिट करना है जो मैंडेटरी होती है, राइट। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर। देखो यहाँ पर सिर्फ इसने 3 चीज़ें दे रखी है, उसको आप भर दीजिए। यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरर मैंने दे दिया, कनेक्शन बिजनेस मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट में यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी दे सकते हो, जैसे मैंने दे दी kb@gmail.com, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो दे सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आप दे सकते हो, कस्टमर केयर नंबर अगर आपके पास है तो वो भी यहाँ पर आप दे सकते हो, कस्टमर केयर नंबर ही दीजिएगा, ठीक है। और पैकर जो है आप खुद हैं तो यहाँ पर आपका अपना डिटेल जो है आप यहाँ पर सिंपली दे सकते हो। अगर आप प्रॉपर पूरा एड्रेस नहीं देना चाहते हो, एक नॉर्मल एड्रेस बना के कि दिल्ली से हो तो KB Delhi करके आप जो भी देना चाहो यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। इसको करने के बाद आपको इसको सबमिट करना है। ये सारा काम हो जाने के बाद जब आप सबमिट कर देंगे, ये सारी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली आपके इन्वेंट्री में शो होने लगेगी, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करके मैनेज ऑल इन्वेंट्री में आएंगे तो यहाँ पर आपको ये सबसे टॉप में 9 वेरिएंट्स के साथ यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स जो है दिखेंगे वन बाय वन। आपको इमेजेस अगर यहाँ पर जैसे इमेज बता रहा है, ठीक है ना, कि इमेज नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ ड्रैग करना है और मैनेज इमेज में जाके यहाँ पर इमेजेस अपलोड कर दीजिएगा। आपकी लिस्टिंग थोड़ी ही देर में विद इन 10-15 मिनट्स में एक्टिवेट हो जाएगी, कभी कभी डिले भी हो जाता है, 24 घंटे भी लग जाते हैं, बिल्कुल पैनिक मत करिएगा, इजीली प्रोडक्ट आपके लिस्ट हो जाएंगे। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं और Amazon के ऊपर प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने का ये सबसे बेस्ट और ईजीएस्ट मेथड था। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से Amazon पे लिस्टिंग की जाती है। वैसे मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि हमारा एक Amazon सेलो मास्टरी कोर्स भी है जिसके अंदर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना सीखेंगे, FBA करना सीखेंगे, स्पॉन्सर एड्स करना सीखेंगे
और हम एट द एंड ऑफ द मंथ जूम सेशन भी लेते हैं सभी लर्नर्स के साथ। तो आप चाहें तो ये कोर्स भी एनरोल कर सकते हैं, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कोर्स को एनरोल करने का। और अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं बेसिक चीज़ें तो एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं साइड में दे रहा हूँ, उससे भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।